आदित्य अब बन गए डैडी। आदित्य श्वेता के घर आई नन्ही परी। बेटी के जन्म पर आदित्य ने जाहिर की खुशी। सिंगर और एक्टर आदित्य नारायण के घर खुशखबरी आई है, वो पापा बन गए हैं। उनकी पत्नी श्वेता ने बेटी को जन्म दिया है। श्वेता ने 24 फरवरी को मुंबई में बच्ची को जन्म दिया था। आदित्य ने अब तक सोशल मीडिया पर बेटी के जन्म की जानकारी नहीं दी है और न ही उसकी कोई फोटो शेयर की है। आदित्य ने बताया कि वो हमेशा से ही बेटी चाहते थे और भगवान ने उनकी सुन ली। बीते साल सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके आदित्य ने श्वेता की प्रेगनेंसी की खबर दी थी। आदित्य ने बॉम्बे टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि हर कोई उनसे कह रहा था कि बेटा होगा, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि बेटी हो। मुझे ये विश्वास है कि बेटियां अपने पिता के बहुत ही करीब होती हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि लिटिल गर्ल आ गई है। श्वेता और मैं बहुत खुश हैं कि हम अब माता पिता बन गए हैं। बेटी के जन्म के बारे में बात करते हुए आदित्य ने कहा कि मैं डिलीवरी के समय श्वेता के साथ था और मुझे महसूस होता है कि महिलाएं बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए बहुत स्ट्रेंथ दिखाती हैं। मेरी श्वेता के लिए रिस्पेक्ट और प्यार अब डबल हो गई है। जब औरत एक बच्चे को जन्म देती है तो वो कई चीजों से होकर गुजरती है, प्रेगनेंसी के दौरान भी। आदित्य ने कहा कि उनकी बच्ची की म्यूजिकल जर्नी अभी से शुरू हो गई है। उन्होंने कहा, मैंने उसके लिए अभी से गाने गाना भी शुरू कर दिया है। मेरी बहन ने उसे छोटा सा म्यूजिक प्लेयर गिफ्ट किया है जिसमें नर्सरी राइम और आध्यात्मिक चीजें बजती रहती हैं। उसकी म्यूजिकल जर्नी शुरू हो गई है क्योंकि ये उसके फैमिली में दौड़ती है। वेल, हम श्वेता और आदित्य को उनके घर में आई नई परी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। क्या कहना है आपका इस खबर को लेकर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।